दोस्तों ये है वढेरा गांव जहां से हम शुरू करेंगे हमारी जर्नी। आप लोग देख रहे हैं ये बस स्टेशन विस्तार है वढेरा गांव का, जो आप अच्छी तरह देख सकते हैं। वहां से सरकेश्वर महादेव और बीच 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहां से हम निकलते हैं, हम पहुंच गए हैं बलाना गांव, जहाँ छोटा सा गांव रास्ते में आता है। वहां से हम जाएंगे लेफ्ट साइड और कुछ बोर्ड भी पढ़ लेंगे ताकि हमको समझ में आएगा। वहां से हम सीधे जाएंगे, रास्ते का भी व्यू भी आप लोगों को बताएंगे ये रास्ता कैसा है। वो सिंगल पट्टी का रोड है, इसलिए आपको जो बाइक है या फोर व्हील है तो अच्छी तरह आपको चलाना पड़ेगा, वरना रास्ते में एक्सीडेंट भी हो सकता है। सरकेश्वर अब 2 किलोमीटर की दूरी पे है, मैंने 1 या 2 किलोमीटर तो पार कर ली है। रास्ते में एक बड़ा सा ताड़ का वृक्ष आता है जो आप लोग अभी देख रहे हैं। गाड़ी हमको और तेज चलानी पड़ेगी तभी हम पहुंच पाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया है कि ताड़ का वृक्ष जो रास्ते में आएगा, अभी आप देख रहे हैं वो ताड़ का बड़ा सा वृक्ष है और बहुत सारे लोग वहां पे उपस्थित होंगे। उसका भी आपको हम दिखाएंगे कि वहां कौन कौन से लोग है, कितनी ट्रैफिक है, कौन सा लोकेशन है, बीच में वातावरण कैसा है और समुद्र तट में घूमने के लिए कौन कौन सी जगह पे है। चलो हम स्पीड से निकलते हैं। और ये देखो आ गया सरकेश्वर महादेव टेंपल एंड बीच। और ये यहाँ पे आज भीम अग्यारी का दिन है, ये बहुत सारी भीड़ है, इससे भी बहुत सारी भीड़ होती है, मगर क्या है ना कि 2 साल कोरोना रहा तब से यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। ये सब लोग है ना घूमने के लिए, खाने के लिए या मौज करने के लिए आते हैं। और हम अभी आपको ले चलते हैं बीच, समुंदर बीच। सबसे पहले इससे पहले हम देखेंगे सरकेश्वर पुलिस स्टेशन का बंगला, हम आपको दिखाएंगे कहाँ पे है। और सामने ये 2 पथिक पिसामो है, उसमें हम बैठ के आराम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमको जाना है बीच, समंदर बीच। तो सामने एक पुलिस स्टेशन का बंगला है, हम आपको जूम करके बताएंगे। तो ये रहा पुलिस स्टेशन का बंगला जिसे हम आपको अभी बता रहे हैं। अब हम चलते हैं बीच तरफ, जो समंदर के तट पे बहुत लंबी और चौड़ी बीच है। वहाँ का वातावरण बहुत कूलिंग है और भीड़ भी बहुत है। और अब हम देखते हैं समंदर में, एक नज़र मिलाते हैं तो बहुत सारे बच्चे नहा रहे हैं। ये नहाने की बहुत अच्छी जगह है और जो हम समुंदर का पूरा आनंद लेने के लिए सामने एक बहुत ही बड़ा पर्वत है, वहाँ पर्वत जैसा है, उसके ऊपर जाएंगे। वहाँ से मैं आपको ये सारा व्यू दिखा रहा हूँ, आप उसका आनंद ले सकते हैं। ये देखिए बहुत बड़ा व्यू है और स्पेस भी बहुत है। और ये देखने के बाद अब हम वापस चलते हैं महादेव टेंपल की तरफ। हम नहीं गए हैं इसलिए अब हम वहाँ जा रहे हैं। और सरकेश्वर महादेव में 2 होटल भी है और 1 होटल आपको हम अभी बता रहे हैं। तो ये है महादेव रेस्टोरेंट, अगर आपको अच्छा लगे तो नाश्ता या लंच डिनर कर सकते हैं। आ गया सरकेश्वर महादेव टेंपल और उसकी नोटिस हम पढ़ सकते हैं, नोटिस में कुछ खास नहीं है। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं महादेव क्या कहना चाहते हैं। ये मंदिर हमारे सामने है टेंपल, और महादेव के पास जाके हम उसका दर्शन कर लेते हैं। सरकेश्वर महादेव, ओम नमः शिवाय।
जहाँ से हम दर्शन कर लेते हैं हर हर महादेव। ये ऐसा मंदिर है और यहाँ से हम साइड में जाएंगे तो एक पीपल का वृक्ष है और ब्राह्मणी माता का मंदिर भी है और उसका भी हम दर्शन का लाभ ले लेते हैं। और उसके सामने जो एक बिल्डिंग है वो में कुछ लोग बाहर के लोग भी इसमें वेट कर सकते हैं या खाना लंच वगैरह बना सकते हैं प्रसाद वगैरह। और अब हम जा रहे हैं जो रास्ते में बोर्ड था ना भुखड़ा दादा का, वही मंदिर की तरफ जाएंगे, उसका आनंद और प्रभु का दर्शन करके आपको बताएंगे मंदिर कैसा है। ये जय भुखड़ा दादा लिखा है, वहाँ हम जाएंगे। रास्ते में बहुत सारी भीड़ भी आती है कभी कभी। और देखो ये हम पहुँच गए हैं और मंदिर का दर्शन, दादा का दर्शन हम यहीं से कर लेते हैं और आपको दिखा भी देते हैं। और हम साइड में ये आपको लुक दिखाएंगे तो ये है पथिक विश्राम। यहाँ लोग पीपल या चाड़ वृक्ष के नीचे आराम करते हैं। यहाँ कूलिंग, बहुत सारा कूलिंग, ठंडा ठंडा हवा आता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये खेत, वहाँ बारिश के मौसम में बहुत सारा पानी भर जाता है। जो ये रास्ता है ना वो उसके पास ही है मंदिर के पास, ये वटेरा तरफ जाता है जो शुरुआत में मैंने आपको दिया था, वटेरा गांव, उस गांव की तरफ से ये शॉर्टकट रास्ता है, वहाँ से 1 या 2 किलोमीटर में पहुँच जाते हैं। और मैंने आपको बताया खेत के बारे में बारिश के वक्त में। और यहाँ से हम निकलते हैं, अब जा रहे हैं हम घर की तरफ। तो रास्ते में आपको बताएंगे, थोड़ी बातें करेंगे, जरूर तुरंत निकलते हैं। ये जब ये हमारा प्रोग्राम या संडे को भी कभी कभी हम यहाँ आते हैं और ये 11:30 और कभी कभी महादेव का मेला, यहाँ बहुत ट्रैफिक होती है, कभी कभी तो 2 दिन का भी मेला होता है यहाँ पे, तो सब लोग आनंद लेने आते हैं। चलो अब हम निकलते हैं और आप लोग को हम बताते हैं कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर कीजिए, कुछ शिकायत के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो कैसा लगा वो भी बता सकते हैं। और आपका दिन शुभ रहे इसी वीडियो के समाप्ति के स्थान पे।